सालों से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ बतौर सुरक्षाकर्मी पर्वत सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि विजयवर्गीय कभी उनके गांव भी पहुंच सकते हैं, वो भी एक छोटे से अनुरोध पर। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय अपने सुरक्षाकर्मी के एक आग्रह पर जोधपुर यात्रा के दौरान उनके गाँव जा पहुँचे। अपने सुरक्षा कर्मी का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए या उसे महज एक सुरक्षा कर्मी मानना चाहिए, इन दोनों बातों पर गौर किया जाना चाहिए। ऐसा ही वाक्य हुआ है जब मुरारी बापू की कथा सुनने के पश्चात जब कैलाश विजयवर्गीय रामदेवरा से जब जोधपुर की ओर रवाना हुए तो उनके सुरक्षा कर्मी पर्वत सिंह ने उनसे अपने गाँव चलने का अनुरोध किया। पिछले 25 वर्षों से पर्वत सिंह कैलाश विजयवर्गीय के निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर पदस्थ है। कैलाश जी तमाम व्यस्तताओं और चार्टर्ड विमान के संचालन की तमाम दिक्कतों को दरकिनार कर पर्वत सिंह के घर पहुँचे। साथ ही उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा विजयवर्गीय, हमारे संपादक सुनील जोशी और रक्षा श्रीवास्तव भी थे। गांव वालों ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया, जहां कैलाश विजयवर्गीय और सुनील जोशी को परंपरागत पगड़ी व माला पहनाई गई, वही श्रीमती आशा विजयवर्गीय और रक्षा श्रीवास्तव का स्वागत राजस्थानी रीति रिवाज से किया गया। सत्कार के पश्चात श्री कैलाश विजयवर्गीय ने वहां के ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें आश्चर्यजनक तथ्य सामने निकल कर आया कि उस गांव व उसके आसपास के गांव के हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने कैलाश विजयवर्गीय को गर्मजोशी के साथ विदा किया। पाँच साल में उसी रात की पंचायत में आए नहीं थे। बहरहाल अपने साथ रहने वाले सहायकों की पूरी चिंता करना और उनकी मदद करना, यह खूबी बिरला ही लोगों में होती है।